1950s की बात है, उस टाइम पे ब्राजील जो देश है वहां पे फुटबॉल को ऐसे माना जाता है जैसे मान लीजिए भगवान, फुटबॉल से मतलब कि वहां पे इतना प्यार करते हैं वहां के लोग, जैसे यहाँ पे क्रिकेट है तो शायद क्रिकेट से भी इतना प्यार नहीं करते यहाँ पे जितने ब्राजील के लोग फुटबॉल से प्यार करते हैं। और 1950s में जब वो मैच हारे, वर्ल्ड कप हार गई थी ब्राजील, और उस टाइम पे एक व्यक्ति थे वो बहुत रोए थे, बहुत ज्यादा रोए थे, मतलब कि इतना रोए थे वो कि खाना पीना भी उस टाइम पे उसने छोड़ दिया। तो उसके एक छोटा सा बच्चा था 9 साल का, और उस बच्चे ने कहा कि पापा डोंट वरी, मैं वर्ल्ड कप जीत के दिखाऊंगा, ठीक है। और बात आई गई होगी, लेकिन वो जो वहां पे जो बच्चे थे, जैसे गली मोहल्ले में जो बस्ती होती है छोटी मोटी, है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बच्चे जो है ना वैसे ही खेल खेलते हैं, जैसे कि वो थपकी से जो कपड़े धोने वाली थपके उससे बैट बॉल खेलना शुरू कर दिया, तो वो क्या करते थे कपड़े का गोला बनाते थे, तो उस गोले से वहां पे उससे फुटबॉल खेलते थे वो उस बस्ती के अंदर, और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से खेलते थे। वो पिक्चर अगर किसी को देखने को मिले तो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, फिली देखेगा, बड़ा मजा आएगा, वो बहुत बड़ा लेसन उससे सीखने को मिलेगा आपको। तो वो इतने ज्यादा माहिर हो गए उसके अंदर कि उसका नाम तो कुछ और था, तिली तो उसे मजाक मिले कि उसका मजाक उड़ाने के लिए कुछ मतलब कि जो अमीर बच्चे थे उन्होंने उसका नाम वो रख दिया था। तो खैर वो अपना क्रिकेट खेलते रहे, क्योंकि अगर किसी के अंदर योग्यता है तो चाहे वो कहीं पे भी है, चाहे वो कीचड़ में भी जैसे कमल होता है तो वो अलग दिखता है, तो ऐसे ही उसका धीरे धीरे करके उसकी योग्यता के आधार पे उसका सिलेक्शन हुआ और वो नेशनल टीम के अंदर सिलेक्ट हुआ पीली। अब 1958 में जब सेकंड अगला वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, और जब उस मैच के अंदर हुआ क्या, वो एकदम से हारने लगा, क्योंकि तो जो दूसरी टीम थी वो थोड़ी कॉन्फिडेंट थी, जब वो हारने लगा तो वो साइड में जाके खड़ा हो गया, वो बहुत ज्यादा निराश और उदास और हताश था। तो उस टाइम पे ही उसके पिताजी टीवी देख रहे थे कहीं पे, टीवी में मैच देख रहे थे वो वाले, और वहां पे चूंकि पिक्चर का जो सीन है मैं वो बता रहा हूँ, और वहां पे वो बोलते हैं जब सारा कुछ खत्म हो रहा था, कॉन्फिडेंस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफीट, यानी कि लास्ट मैच जो हमारी फुटबॉल टीम हारी थी उसका मेन रीजन था लूज कॉन्फिडेंस, और ये चीज उसके दिमाग में वहां पे आई, शायद ये टेलीपैथी से उसके दिमाग में आई होगी पीली के, उसके दिमाग में आई, और उसने आंखें बंद की, लंबी गहरी सांस ली, और वो जो है ना एक खूंखार शेर जो होता है, वो जो एक लोमड़ी की तरह था जो अपनी पूंछ नीचे को दबा के भागती है, उसकी जगह वो एक खूंखार शेर की तरह वो बन गया, और उसकी आंखें ऐसी मतलब कि कॉन्फिडेंस से भर गई, और फिर उसने मैच खेलना शुरू हुआ। और उस टाइम पे जो पॉइंट थे वो कुछ इस तरीके से थे, 2 पॉइंट तो उनकी टीम के थे और 7 पॉइंट दूसरी टीम के थे, और अगले 16 मिनट के अंदर 10 पॉइंट उसने खुद ने किए, उनकी टीम के 10 पॉइंट हो गए, तो उसके 7 पॉइंट ही थे दूसरी टीम के, और वो मैच वो जीत गए, ब्राजील वो मैच जीत गई, और पूरे मतलब कि ब्राजील के अंदर जैसे होली दिवाली मनती है इस तरीके से वो टाइम मनाया गया। और अगले 20-25 साल तक जब तक वो प्लेयर रहा उसने एक अलग टेक्निक इसकी खोज की थी, जिंगा टेक्निक, यानी कि लोग जब फुटबॉल का लात मारते हैं वो फुटबॉल से प्यार करते थे, वो अलग टेक्निक थी, वो जब देखोगे तो तभी समझ में आएगी। तो उस टेक्निक को उसने किया और दुनिया का महान प्लेयर बना, वो वर्ल्ड चैंपियन बना, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कमी किस चीज की थी यहाँ पे, अगर देखा तो यहाँ पे क्या चीज था मेन, इस स्टोरी से क्या कॉन्फिडेंस चीज सीखने को मिली? जी सबसे यस पहले यस तो यस, इस चीज से सिर्फ एक चीज सीखने को मिली कि जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है, ऑप्शनली अनम्यूट ऑप्शन खोल दिया मैंने, जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी उस वजह से वो मैच हार रहा था, नॉलेज थी उसको, लेकिन जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस और एनर्जी आई, फिर उस टेक्निक को जब उसने यूज किया तब उसको रिजल्ट मिलने दो, ठीक है। अभी एक सवाल हमारा अपने आप से हमें करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि थोड़ा बताओ, कुछ तो बताओ, कैसे हैं, तो उस टाइम पे हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारा एनर्जी लेवल क्या है।
हम उस टाइम पे हमारे जो मनोभाव है, हमारी जो मनोदशा है वो क्या है जो हमसे वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। शायद हमारी बातों के अंदर से वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा है, इस वजह से वो ऐसे सवाल कर रहा है ना। तो हमने क्या करना है, जब करो तो फिर उसे पूरा दिल से करो, इंजॉय के साथ में करो, एनर्जी के साथ में करो, और फिर देखो रिजल्ट अपना आता है। कोई क्वेश्चन पूछने का ही नहीं है ना। उसके साथ ऐसे बात करो, भले आप पहली बार बात कर रहे हो, जैसे कि वो आपका फैमिली मेंबर है, आप उसके फैमिली मेंबर हो, किसी से भी। जैसे कि आज मेरी एक से बात हुई, फॉर एग्जाम्पल।